वेल हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जुरासिक वर्ल्ड द गेम। दिस इज सीजन 2। और भाई बहुत दिनों से हमने अपनी हाइब्रिड सीरीज़ की एक भी वीडियो नहीं डाली है, तो आज मैं सोच रहा हूँ भाई देखते हैं किसका नंबर है, उसको भाई मैक्स लेवल का कर देते हैं जल्दी से, ताकि भाई हमारी हाइब्रिड सीरीज जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं भाई बहुत जल्दी में हूँ अपनी हाइब्रिड सीरीज़ को ख़त्म करने में, क्योंकि भाई उसके बाद हमारा पार्क एकदम टॉप लेवल का हो जाएगा, एकदम परफेक्ट पार्क बनेगा हमारा, जिसमें हमें बैटल्स वगैरह लड़ने में काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो भाई अभी मैं यहाँ पे अपने छोटे मोटे काम जल्दी से निपटाता हूँ और फिर देखते भाई नंबर किसका आया इस बार। तो सबसे पहले ट्रेड करेंगे भाई, ट्रेड हमारा दिन का एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर डेकोरेशन के बदले लॉयल्टी पॉइंट हमारा रोज़ का काम है भाई, तुम लोग तो जानते ही हो। और उसके बाद भाई यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे भाई क्या आता है। ओ भाई साहब क्या यार, इतना बढ़िया ट्रेड, मतलब दिल खुश कर दिया भाई इन्होंने। और ये वाला भी बढ़िया है, ये भी ले लूँगा मैं। और उसके बाद भाई कुछ अच्छा, चलो भाई दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये भी ठीक है भाई, ये भी सही है, ये भी ले लेते हैं। ओ भाई साहब 400 कैश भाई, मतलब यार ये लोग रुला देंगे भाई, इतना ज़्यादा कैश मुझे मिलता है ना, मैं क्या ही बताऊँ भाई। और मैं खर्च कर देता हूँ डेली के डेली। चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही कैश मिलते रहेगा तो एक दिन तुम्हारा भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाएगा तुम्हारे लिए, देखते रहना। और क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे, चलो और कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ से हमारी ट्रेडिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी है और अब चलते हैं भाई, देखते हैं किसका नंबर है यहाँ पर। तो आई थिंक भाई यहाँ पे कार्नोरेप्टर का नंबर है हमारे हाइब्रिड सीरीज़ में। और कार्नोरेप्टर भाई यहाँ पे एक रेयर कार्निवोरस डायनासोर है, तो इसी का नंबर है भाई इस बार। देखते हैं इसको मैक्स लेवल का करने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है यहाँ पे। बाकी भाई लुक तो तुम लोग देख ही सकते हो, क्या छोटे छोटे सींग है इसके भाई, मस्त एकदम कार्नो वाली लुक आ रही है। बाकी इसके हाथ पड़े हैं तो कार्नो रैप्टर है, वैसे हाथ तो बड़े होंगे ही, वरना कार्नो के तो भाई हाथ ही नहीं होते, पता नहीं क्या दो ठो निकला रहता है छोटा छोटा। चलो भाई इसको करते हैं लेवल 20 का यहाँ पे और देखते हैं भाई। ओ एक बार में ही हो गया, क्या बात है भाई, अच्छा नसीब है हमारा इस बार लगता है। देखते हैं कितनी देर तक अच्छा रहता है। बाकी भाई यहाँ पे लेवल 20 का ये हो चुका है और इसके स्टैट्स में तुम्हें बताऊँ तो भाई पहले इसको मैक्स लेवल का करते हैं। हाँ भाई 20 लेवल का हो चुका है, 1100 की हेल्थ हो चुकी है इसकी और 440 का डैमेज हो चुका है भाई, ठीक है काफ़ी ज़्यादा सही है। चलो लेवल 30 का बनाते हैं इसको और यहाँ पे ओ भाई साहब एक बार में ही लेवल 30 का, भाई आज मैं सच में ज़्यादा लकी हूँ भाई, मुझे दो दो बार कैश भी मिला ट्रेड में और यहाँ पे दो बार मेरा कंप्लीट भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा सही भाई। तो ये हो चुका है यहाँ पे लेवल 30 का और यहाँ पे 1700 की हेल्थ हो चुकी है भाई इसकी और यहाँ पे 647 का डैमेज, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है भाई ये तो। मैक्स लेवल पे कितना चला जाएगा भाई, क्या लगता है कमेंट करो अभी के अभी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कोड 19 कंप्लीट कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग कमेंट कर सकते हो भाई। और हाँ भाई अगर तुम लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अभी चलो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अगर मैंने इसको सही से कंप्लीट कर लिया तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैश भी मिलेगा और सुपर डीएनए भी मिलेगा, कैश बोल रहा हूँ यार, कैश ही कैश निकल रहा आज मुँह से, मतलब डीएनए और सुपर डीएनए दोनों मिलेगा अगर मैंने सही से कंप्लीट कर लिया तो। बाकी लगता तो है कि सही से हो जाएगा क्योंकि कार्निवोरस डायनासोर का यहाँ पे है, अगर वाटर वाले डायनासोर का होता तो थोड़ी सी दिक्कत होती। बाकी देखते हैं भाई कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, लास्ट बार है गाइस, अगर एक बार मैंने सही से कर दिया और भाई हो गया। चलो भाई यहाँ पे मिलेगा हमें 390 यहाँ पे डीएनए और 8 सुपर डीएनए, जो कि हमारे लिए इनफ है भाई, इनफ है हमारे लिए, इतना काफ़ी है, डेली के डेली इतना मिलता रहे तो हमारा काम चलता रहेगा। बाकी लुक वाइज तो तुम लोग देख ही सकते हो, वाइल स्मॉलर देन इट्स कजन्स द कार्नोरेप्टर कैन स्टिल डू सम डैमेज विथ इट्स 3 इंच लॉन्ग क्लोज। ओके अगला क्या है भाई, वेटिंग इन एट जस्ट
500 pounds or the size of a grizzly bear, the raptor is surprisingly light on its feet. Okay. Moving at speeds upward of 35 miles per hour, the Carnotaurus will charge its prey, impelling them with its horns. भाई इसके छोटे छोटे horns, छोटे छोटे horns से भाई ये क्या ही attack करेगा? चलो भाई इसको कर देते हैं 40 level का और अब देखते हैं भाई इसकी क्या power होती है भाई। एक बार में होगा? क्या लगता है भाई? होना तो चाहिए, नहीं होगा भाई। अब ये लोग यहाँ पे लूटना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे कैश भी बढ़ चुका है और मेरी मजबूरी भी है भाई, करना पड़ेगा। तो अब ये लोग देखना भाई कितने बार में कंप्लीट करते हैं हमारा। चार बार? नहीं भाई, कंप्लीट हो गया। चलो अच्छी बात है भाई, जल्दी जल्दी हो गया इस बार तो, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट लगता है। तो भाई ये रहा तुम्हारे सामने मैक्स लेवल, मैक्स नहीं भाई, 31 लेवल का कार्नोरैप्टर। मैक्स लेवल तो नहीं हुआ है अभी, हो जाएगा भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी हम इसको करने। ओ भाई लुक वाइज देखो यार, कार्नो का पैटर्न आ गया इसके ऊपर। कार्नो को जब मैंने मैक्स लेवल में लिया था तो यही वाले पैटर्न थे उसके ऊपर, और अभी इसके ऊपर भी वो वाले पैटर्न आ चुके हैं। बाकी भाई 2498 की हेल्थ एंड 954 का डैमेज यहाँ पे। भाई ये एक रेयर क्रीचर है और इतना ज़्यादा पावरफुल है भाई, वन ऑफ द बेस्ट रेयर क्रीचर है भाई ये। और लुक वाइज तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, इसके सींग वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हो। इसकी लंबी पूंछ, मीनिंग मीट ईटिंग थिक, द कार्नोरैप्टर इज द अल्टीमेट प्रीडेटर। इट्स 6 इंच थ्री इंच था ना भाई, 6 इंच क्लोज आर रिलेवेंट बाई ओनली द वेलोसीरैप्टर। ओके भाई सही है, लेकिन भाई 6 इंच या फिर 3 इंच तुम लोग खुद ही डिसाइड करो, यहाँ पे दोनों लिखा है। चलो कोई नहीं भाई, ये रहा हमारा कार्नोरैप्टर लेवल 40 का भाई, इसी का नंबर था और आज हमने इसको भी मैक्स लेवल का कर डाला। तो देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। और अभी हम लोग क्या करने वाले भाई, टेस्ट आउट करने वाले हैं इसको। तो देखते हैं कौन कौन से इवेंट है हमारे पास, इवेंट में चलते हैं, कौन कौन से इवेंट आए हुए भाई। ओ बॉस, बॉस इवेंट कंप्लीट करेंगे भाई। एक भी बैटल नहीं लड़ी, एक बैटल लड़ी है मैंने, मतलब ऐसे ही मज़े के लिए, और उसमें मैं हार गया था। चलो कोई नहीं, तो इस बार भाई हम लोग यहाँ पे लेकर के जाएंगे अपने सबसे 3 बेस्ट। ओ भाई कार्नोरैप्टर को भी तो टेस्ट करना है हमें, कार्नोरैप्टर कहाँ है भाई। ओ भाई यहाँ आ गया भाई, इंडोमिनस के जस्ट नीचे, बहुत खतरनाक हो गया ये तो। चलो भाई कार्नोरैप्टर को भी हमने ले लिया, हमने सारे डायनासोर ले लिए अपने सबसे बेस्ट वाले सिवाय कार्नोरैप्टर के। कार्नोरैप्टर भी अच्छा है लेकिन सबसे बेस्ट नहीं है गाइस, सबसे बेस्ट तो हमारा इंडोरैप्टर है और क्रोमास्पाइनस है भाई। ये बॉस हमारा क्या ही कर पाएगा, डोडो बॉस है, खतरनाक दिख रहा है भाई। डोडो बॉस भी एक बार पहले भी आ चुका है, मैंने इसकी बैंड बजाई थी मुझे याद है, और आज फिर से बजाने वाला हूँ। बाकी भाई तुम लोग एक चीज़ नोटिस करते रहना भाई, मेरे इंडोरैप्टर की डैमेज कितना है, ये चीज़ तुम लोग हमेशा नोटिस करते रहना भाई। 4000 का डैमेज, मतलब यार मजाक ही क्या, 4000 की हेल्थ नहीं होती बंदों की, 4000 का डैमेज दे रहा ही है, बहुत खतरनाक है भाई ये तो। चलो देखते हैं ये अटैक करता है कि नहीं, मैं इसके ऊपर 8 के 8 अटैक करना चाहता हूँ, मेरा प्लानिंग तो यही है, बस ये मेरे ऊपर अपने पूरे अटैक खर्च कर दे, उसके बाद मैं आराम से इसके ऊपर भाई 8 के 8 अटैक करूँगा और मेरा डैमेज लगभग 80,000 का चला जाएगा भाई। अगर 8 अटैक करता हूँ मैं तो इसके ऊपर, तो 80,000 का डैमेज एक बार में पड़ेगा, सोच रहे हो। और ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा भाई, 150 का डैमेज भी नहीं है इसका। क्या कर रहा है भाई, अटैक करेगा? नहीं कर रहा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ढीठ जाइन है भाई, क्या करूँ, अटैक कर दूँ? चलो 4 अटैक दिया मैंने, 4 शील्ड लगाई थी साढ़े ने। चलो कोई नहीं गाइस, हमें बस पेशेंस रखना है और इसकी एक गलती का इंतज़ार करना है। कर दे भाई, भाई बहुत ज़्यादा ढीठ बंदा है यार, ये तो अटैक ही नहीं कर रहा, क्या करूं मैं इसका। 8 अटैक कर दिया भाई मैंने, और भाई साहब 4 शील्ड लगा के रखा था इसने।
चलो कोई नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ेगा ही, 25,000 इनफ है। लेकिन भाई मैं इसके ऊपर 8 के 8 अटैक करना चाहता हूँ, तब जाके देखना भाई इसके ऊपर एक बार में कितना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। हमें बस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देना है ना, बॉस को ख़त्म कर। ओ भाई साहब क्या अटैक कर रहा भाई, सुपर किक भाई, क्या तगड़ा मारा इसने, बहुत ज़्यादा गंदा मारता है भाई ये तो। हाँ भाई हमारी आधी एच पी चली गई, एक्चुअली में आधी ज़्यादा ही एच पी चली गई भाई, क्या मारा भाई इसने। हम भी मारेंगे गाइस, हम भी मारेंगे, टेंशन मत लो। क्या करना चाहिए अटैक, कितने पॉइंट है इसके पास, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। डायनो स्वाइप करते हैं भाई, कार्नो रैप्टर, वरना इंडो रैप्टर नहीं पड़ जाएगा भाई, मैं नहीं चाहता कि इंडो रैप्टर को कुछ हो यहाँ पे। चलो भाई कार्नो रैप्टर आ चुका है, देख लो भाई क्या तगड़ा दिख रहा है, इसकी पूंछ भाई स्क्रीन पे आ रही है, पूंछ भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मुझे तो भाई ये डायनो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी भाई 6 अटैक किया इसने और हमारा, ओ भाई साहब मरते मरते बचा हमारा कार्नो रैप्टर यहाँ पे। बाकी अभी मैं क्या करूँगा, डायनो स्वाइप करूँगा और इसके ऊपर भाई पूरे का पूरे अटैक दे दूँगा। 7 ही अटैक हैं, 8 अटैक नहीं है भाई, चलो कोई नहीं, 7 अटैक में देखते कितना ज़्यादा डैमेज पड़ता है भाई, कितना डैमेज पड़ेगा बताओ जल्दी से भाई साहब। 61,000 का डैमेज, मतलब अगर 8 अटैक होते तो भाई पक्का 80,000 तो चल ही जाता भाई साहब। एक बार में 80,000 का डैमेज दे रहा हूँ मैं, मतलब यार मानना पड़ेगा डायनो तो है भाई, डैमेज तो है। चलो कोई नहीं, वापस से मैंने डायनो स्वाइप कर दिया है और मैं चाहता हूँ भाई ये मेरे ऊपर 6 के 6 अटैक करे, लेकिन ये 5 ही करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। देख लो भाई साढ़े ने 5 अटैक कर दिए। चलो कोई नहीं गाइस, अभी इसके पास 1 शील्ड बची है और मेरे पास 7 पॉइंट है, डायनो स्वाइप कर देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, और आई थिंक अटैक भी कर ही देता हूँ भाई। नहीं भाई 8 अटैक करने यार, मुझे 8 अटैक करने इसके ऊपर, 1 शील्ड लगा रखी थी, 6 ही पॉइंट थे मेरे पास, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। चलो 4 अटैक कर दिए, ओ भाई साहब फिर से शील्ड है भाई इसके पास, तो बहुत ज़्यादा शील्ड बचा के रख रहे है। चलो भाई इस बार तो अटैक करूँगा मैं, शील्ड मत लगाइए। ओ भाई साहब शील्ड लगा दी इसने, चलो कोई नहीं कोई नहीं। 7 अटैक भी बहुत होता है भाई, 61,000 का डैमेज मतलब समझ रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा है 61,000 भी एक बार में, 61,000 मतलब बहुत ज़्यादा होता है। खैर अभी भाई यहाँ पे आई थिंक हमारा रैप्टर मर सकता है भाई, 4 अटैक करेगा, नहीं करा भाई इसने, क्या करूँ डायनो स्वाइप कर दूँ, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं अगले राउंड तक क्या होता है। अगर ये अभी 6 के 6 अटैक करेगा तो हमारा रैप्टर मर जाएगा भाई, मत करना। ओ भाई साहब अभी भी नहीं करा यार इसने, बड़ा ढीट लौंडा है, ले भाई एक और खा ले। ओ भाई साहब 4 शील्ड लगाई थी इसने, 4 शील्ड मतलब 4 का ही डैमेज पड़ेगा, और कितना पड़ता है भाई 25,000। हमने भाई ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख का डैमेज दे दिया होगा, आई थिंक भाई 1.5 से 2 लाख का हमने डैमेज इजीली यहाँ पे दे दिया होगा अभी तक इसको। 6 में से 4 कर दिए भाई इसने, बचा हम इसके पास 2 वापस से। चलो भाई क्रोमा स्पाइनस अब पूरी बैटल इसके हाथ में है, देखते हैं ये क्या कर पाता है भाई। 2400 का डैमेज है इसका, 5000 की हेल्थ है, देखते हैं क्या करता है भाई। ऑल राइट अटैक नहीं करेगा ये, मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी शील्ड लगाऊंगा भाई, मेरे को एक बार तो कम से कम 8 अटैक करने दे भाई, एक बार तो 8 अटैक करने दे, क्रोमा स्पाइनस से ही करने दे भाई। फिर से यार इसने बहुत ज़्यादा ढीट डायनो यार, पूरे अटैक कभी ये कर ही नहीं रहा यार। चलो मैं ही कर देता हूँ भाई पूरे अटैक, फिर से 1 शील्ड लगा रखी थी यार, 8 अटैक ये करने नहीं दे रहा भाई मुझे, 7 के 7 अटैक पड़ रहे हैं इसके ऊपर, देखते हैं अभी क्या होता है भाई, क्या ये हमें मार सकता है गाइस। नहीं भाई 5000 का डैमेज तो नहीं दे पाएगा ये इतनी आसानी से, मैं वापस से पॉइंट बचा रहा हूँ, देखते हैं इस बार 8 अटैक कर पाते हैं कि नहीं हम इसके ऊपर। 7 पॉइंट है, कितना डैमेज देगा भाई, 7 के 7 अटैक करेगा, नहीं करेगा, क्या करूँ मैं इसका भाई। लेट्स सी भाई, इस बार तो मैं शील्ड में लगा करके रखूँगा जब तक ये अटैक नहीं कर देता मेरे ऊपर, देखते हैं कब तक करता है भाई। 6 अटैक करा, 8 पॉइंट था आई थिंक इसके पास,
आठ या सात भाई कितने थे, मैं तो भूल भी जाता हूँ यार। चलो अटैक करके देख लेता हूँ भाई कितने पॉइंट थे। फिर से एक शील्ड भाई। भाई आठ अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं भाई, हो क्या रहा है इस गेम में भाई? सिर्फ एक बार आठ अटैक करना चाहता हूँ मैं, वो भी नहीं हो पा रहा मेरे से। फिर से पॉइंट बचा लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है भाई। सात पॉइंट है, सात के साथ अटैक कर देगा तो मैं नहीं पढ़ जाऊँगा यार। छः अटैक कर दिए भाई साहब, मरना मत भाई। मर गया यार, शिट भाई, एक बार भी मैं आठ अटैक नहीं कर पाया इस गेम में। वैसे हमने डैमेज अच्छा खासा दिया है इसको, हमें अच्छे खासे कैश, नहीं कैश, अरे यार मैं बार बार कैश ही बोल दे रहा हूँ, हमें अच्छा खासा डीएनए मिलेगा। 2.5 लाख का डैमेज दे दिया भाई हमने। ऑलराइट, यहाँ पे 100 200 डीएनए, 300 डीएनए, भाई डीएनए गिनते रहो बस तुम लोग। 400 700 और यहाँ पे 1000 डीएनए, भाई डीएनए कितना ज़्यादा हो गया मेरे पास। और यहाँ पे 1500 2000 भाई, और मिलेगा क्या? नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक हमें 5000 के आसपास डीएनए मिल गया होगा, 5000 इजीली मिल गया होगा भाई, 5000 तो मिल ही गया होगा। खैर तो ये रहा भाई हमारा आज का एपिसोड, आज का कार्निवोरस डायनासोर जो हमने मैक्स लेवल का किया। इंडोरैप्टर नहीं भाई, कार्नोरैप्टर। और हमने भाई बॉस को भी थोड़ा सा मज़ा चखाया। तो इसी के साथ भाई आज का यहाँ पे एपिसोड होता है ख़त्म। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। और हाँ भाई, नए हो चैनल पे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। चैनल नया है ना तो थोड़ा सा है ज़रूरत भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में जुरासिक वर्ल्ड द गेम के।